नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के अंदर इस वक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 164 लगाई गई है 6 अक्टूबर तक, जिसके बाद जगह जगह दिल्ली पुलिस कई बार देखने को मिल रहा है, मुआयना कर रही है और शांति व्यवस्था बरकरार रहे इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज साउथ दिल्ली से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ड्रग्स बरामद किया है और इस पूरे मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और कहा जा रहा है कि इससे पहले इतना बड़ा ड्रग्स या इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स आज तक दिल्ली के आपराधिक इतिहास में भी कभी हुआ नहीं है, जितना ज़्यादा मात्रा में इस बार ड्रग्स की बरामदगी हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स लाया गया है और अगर इसे हम किलो में देखें तो करीब 565 किलो कोकीन बताया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस अपने सूत्रों के जानकारी के हिसाब से वहां पर पहुंची छापा मारने और वहां पर भारी मात्रा में कोकीन करीब 565 किलो बरामद हुआ। साथ ही 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि इन बदमाशों को अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करने वाली है। कहा जा रहा है इससे पहले भी दिल्ली के अंदर या देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की बरामदगी हुई है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो ड्रग्स की बरामदगी इस बार यानी आज हुई है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पैडलर के भी तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। और कोकीन को लेकर ये कहा जा रहा है, कोकीन एक ऐसा ड्रग्स बताया जाता है जो हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस अब जब इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल आगे बढ़ाएगी तो इस पूरे मामले में कई सफ़ेद पोश चेहरे भी उजागर होंगे, क्योंकि कोकीन का सेवन हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों में किया जाता है और 565 किलो ड्रग्स अगर बरामद हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़े हुए जरूर देखे जा रहे हैं। एप्पल कंपनी ने अभी हाल ही में अपना नया प्रोडक्ट 16 iPhone Pro Max लॉन्च किया है, जिसे लेने के लिए देश के युवाओं में काफ़ी जोश पे देखने को मिला और लोग कहीं ना कहीं उस दिन बहुत ज़्यादा इसे लेने के लिए उत्साहित भी दिखे थे, कई लोगों ने खरीद भी लिया। लेकिन आज दिल्ली एयरपोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है आईफोन को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आ रही एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसने विदेश से एक टिश्यू पेपर में लपेटकर करीब 26 आईफोन 16 मैक्स प्रो लेकर वो आ रही थी। हालांकि कस्टम के अधिकारी को पहले से ही इस बात की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जब वो महिला दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसे पकड़कर रोककर वहीं पर उसकी तलाशी ली गई, जहां पर कस्टम के अधिकारियों को 26 आईफोन प्रो मैक्स 16 बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि जितनी संख्या में ये फ़ोन बरामद की हुई है वो करीब बाजार में उसकी कुल कीमत 37 लाख रुपये जा रही है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वो महिला हांगकांग से दिल्ली के लिए आ रही थी और इस तरह से अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस महिला का इससे पहले भी किन किन मामलों में तस्करियों में अब तक वो शामिल रही है और कहां भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल अभी कस्टम के अधिकारियों ने उस महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन 26 आईफोन की बरामदगी होना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इससे पहले भी कई केस दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिले हैं, लेकिन आईफोन का ये मामला शायद इतनी संख्या में इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में महिला भी पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। आगे बहुत सारे खुलासे इस केस में भी देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से 2 दिन बाद अपना मुख्यमंत्री आवास, यानी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली के सिविल लाइन्स स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर उनका बंगला था, वो खाली करने वाले हैं। जाहिर सी बात है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हुए तो उन्होंने उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को दिल्ली के विधायक दलों ने घोषित किया और उन्होंने अब चार्ज संभाल लिया है। साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला छोड़ते हैं तो अब अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से एक बंगला आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में प्रोग्रेस कितना हुआ अभी तक नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के अंदर अपना बंगला
खाली करेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मंडी हाउस के पास मौजूद फिरोजशाह रोड पर जो राज्यसभा सांसदों को बंगला आवंटित किया गया है, उन्हीं में से किसी एक बंगले में रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी दो राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जिन्हें फिरोजशाह रोड पर रविशंकर शुक्ला लेन पर दो बंगले आवंटित किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता, बच्चों और पत्नी के साथ उसी बंगलों में रह सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल का जब मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइन्स में था तो वहाँ से आम आदमी पार्टी का मुख्यालय करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था, अब फिरोजशाह से आम आदमी पार्टी का मुख्यालय 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रहना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहीं से रहकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटना चाहते हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल को सरकार की तरफ से बंगला आवंटित उनके राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के वजह से मिलता है, कब मिलता है नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने वायदे के मुताबिक जल्द से जल्द वो बंगला खाली करके ये मैसेज शायद देने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के अंदर मैं बंगला खाली कर दूंगा, तो शायद अब अरविंद केजरीवाल अपने पुराने वाले फॉर्म में लौट चुके हैं। और जैसे जब उनका दिल्ली की राजनीति में उदय हुआ था और जो जो वो कहते थे वो करा करते थे, सिर्फ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार होने के सबूत देने की कोशिश दिल्ली की जनता को कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा कितना होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 खत्म हो जाएगा तो क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब धड़ाधड़ वो सारे काम कर रहे हैं जो उनके कट्टर ईमानदार होने के सबूत देते हैं, क्या चुनाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल इसी तरह से करते रहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना या कोई और होगा, या अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली की जनता ईमानदार घोषित करती है, मतलब ऐसे कई सारे दावे वादे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, इससे पहले ऐसे कई दावे कर चुके हैं, कई वादे कर चुके हैं जो बाद में अरविंद केजरीवाल ने उसे बहुत ही बेदर्दी से तोड़ा था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगातार सवाल भी उठाती है। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।